हेलो गाइस, तो मैं हूँ पिंकी पालीवाल और आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ में हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रा आपका एक तरीके का ग्राफ होता है जिसके अंदर अगर लाइन स्पेक्ट्रा है तो उसके अंदर इस तरीके से लाइन्स बनी हुई होती हैं। जैसे हम बार कोड देखते हैं ना, उसके ऊपर ऐसी लाइन लाइन सी बनी हुई होती है ना हमारे पास में, ठीक ऐसा सा ही कुछ क्या है ये हाइड्रोजन का हमारा एक लाइन स्पेक्ट्रा है। ठीक, अब जो हमारे बोहर थे यानी जो नील बोहर थे, उन्होंने हमें क्या दिया था? लाइन स्पेक्ट्रा दिया था हाइड्रोजन का। और उन्होंने हमें क्या बताया कि जब भी आप हाइड्रोजन गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हो? सप्लाई करते हो। ठीक है, तो उन्होंने हमें क्या बोला कि जब भी आप हाइड्रोजन गैस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करोगे तो जो हाइड्रोजन गैस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, एक्साइट होने का मतलब क्या है कि मान लिया जहां पर भी वो आपके पहले प्रेजेंट थे, जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि मान लिया ये आपका न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या है हमारे पास में? ऑर्बिट्स है। ठीक है, अब मान लिया हाइड्रोजन था तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ही होगा हमारे पास में, और ये जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे थोड़ा सा और क्लियरली ड्रॉ कर देती हूँ, ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर। ये जो न्यूक्लियस से जो पहले होता है ये होता है हमारा फर्स्ट ऑर्बिट, जो फर्स्ट सर्कल दिखा रखा है, फिर होता है सेकेंड ऑर्बिट, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ऐसे चलते रहते हैं हमारे पास में। ठीक, जैसे अभी मैंने सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ पे तीन ऑर्बिट ड्रॉ करके दिखाई, तो जो ये हमारे पास में एन वन के अंदर, देखो मैंने यहाँ पे एन वन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि पहला ऑर्बिट हमारा हाइड्रोजन का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी तो वो एक्साइट हो गया। एक्साइट होने का मतलब है अभी फर्स्ट शेल से या तो एक्साइट होकर सेकंड शेल में चला जाएगा या थर्ड में चला जाएगा या फोर्थ में चला जाएगा, फिफ्थ में चला जाएगा, कहीं भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि वो कितनी आपकी, आपको क्या कर रहा है, कितनी एनर्जी को आपकी एब्जॉर्व कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से भी तो एक टाइप की एनर्जी मिल रही होगी ना उसको। ठीक है, हमारे पास में अब इसने क्या बोला, मतलब उन्होंने, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट करा, उन्होंने क्या करा, हाइड्रोजन गैस ली, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दिया, सप्लाई कर दिया। अब जो मैंने इस तरीके का जो डायग्राम बना रखा है, ये असल में क्या है कि जब हम हाइड्रोजन का जो हमारे पास में क्या है एटम है, उसके ऑर्बिट्स को, यानी ऑर्बिट्स क्या है, सर्कुलर पाथ है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इनको जब हमने जूम करके देखा तो हमने उनको ऐसे सर्कल ना दिखाने की बजाय मैंने यहाँ पे ऐसे लाइंस की फॉर्म में क्या दिखा दिया, उन ऑर्बिट्स को दिखा दिया कि भाई ये फर्स्ट वाले ऑर्बिट की लाइन होगी, ये सेकेंड की, ये थर्ड की, ये फोर्थ की, सर्कल ना दिखाने की बजाय मैंने ऐसे दिखाया हुआ, जैसे यहाँ पे, समझ में आया? अब ये बोलता है कि ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, इलेक्ट्रॉन क्या हो गए आपके, एक्साइट हो गए, तो अब एक्साइट होकर ऊपर चला गया, वापस तो आएगा ना, क्योंकि देखो कभी भी कोई भी चीज एक्साइटेड स्टेट में जाती जरूर है लेकिन आएगी वापस। तो ये बोलता है कि मान लिया कि वो एक्साइट होकर आठवें ऑर्बिटल तक चली गई, ऑर्बिटल नहीं, ऑर्बिट तक वो चली गई हमारे पास में, कितने भी ऑर्बिट हो सकते हैं, आगे वाले तो खाली पड़े थे जैसे कि, तो मान लिया कि वो एक्साइट होकर इलेक्ट्रॉन आपका एट्थ ऑर्बिट के अंदर चला गया होगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे फर्स्ट केस में मैंने माना कि वो एक्साइट होकर आपका एट्थ ऑर्बिट तक गया होगा, अब वहां से नीचे गिरेगा, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि या तो वो इस आठवें ऑर्बिट से आके पहले वाले ऑर्बिट के अंदर वापिस आ जाएगा, ठीक है, या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सातवें ऑर्बिट तक गया हो और वापस आ गया हो आपका, यानी फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर अब वो आ गया हो आपका। तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई सिक्स्थ ऑर्बिट तक पहुंचा होगा फिर वापस आ गया फर्स्ट ऑर्बिट तक, फिर इसने बोला मान लिया पांचवें तक गया होगा फिर वो फर्स्ट तक आ गया, चौथे तक गया होगा फिर फर्स्ट पे आ गया, तीसरे तक गया होगा फर्स्ट पे आ गया, दूसरे तक गया होगा फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आ गया होगा। समझ में आया क्या चल रहा है? तो अगर वो क्या होता है, जो आपके एट्थ वाले ऑर्बिट से वो शुरू करते हैं हम उनको, और वो फर्स्ट ऑर्बिट तक आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है यहां तक की बात,
तो वहां पर जो ये लाइंस आती हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने इन जो आपके पास में से लाइंस शो हो रही हैं, इनको डिस्कवर किया था। तो लाइमन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि ये जो ट्रांजिशंस हो रही हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट के अंदर आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा। अब एनर्जी को रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जितने भी हम एक्सरे पढ़ते हैं, अल्ट्रावायलेट रे पढ़ते हैं, इंफ्रारेड वेव्स पढ़ते हैं, माइक्रोवेव पढ़ते हैं, सब क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा, वो एनर्जी को रिलीज करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। तो लाइमन ने देखा कि जब वो आपके पास में ये वाली सारी ट्रांजिशंस हो रही हैं, तो उस कौन साइंटिस्ट ने नाम दे दिया, लाइमन सीरीज का नाम दे दिया। यानी कि लाइमन सीरीज के अंदर जो वो आपका इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जिनको क्या कर रहा होगा, रिलीज कर रहा होगा एनर्जी की फॉर्म में, वो कौन सी होंगी, अल्ट्रावायलेट रेज होंगी आपकी। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज करेगा, उन वेव्स की एनर्जी कौन से रीजन में पड़ रही होगी, अल्ट्रावायलेट वाले में, यानी उनकी एनर्जी अल्ट्रावायलेट के बराबर होगी। अल्ट्रावायलेट का मतलब है कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनकी अलग अलग वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद में जब वापस ग्राउंड स्टेट में आ रहा होगा, तो हम उसकी वेवलेंथ का पता लगाकर हम पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। तो लाइमन ने कहा कि लाइमन जब वो सीरीज के अंदर आता है तो अल्ट्रावायलेट वेव्स को आपकी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लाइमन सीरीज के अंदर कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिलीज होती है, अल्ट्रावायलेट। ठीक, अगर वो आपका जैसे यहाँ पे देखो, 8th से आया वो सेकेंड के अंदर, फिर 7th से आया सेकेंड के अंदर, फिर 6th से आया फिर वो सेकेंड के अंदर, यहाँ पर क्या हो रहा है, 8th देखो सब में हम सबसे मैक्सिमम वाले से शुरू करेंगे, फिर एक एक हम घटाते चले जाएंगे। लाइमन में उसकी ग्राउंड स्टेट वो 1 पे आता है। नेक्स्ट सीरीज है बाल्मर सीरीज, बाल्मर में उसकी जो ग्राउंड स्टेट होगी वो सेकेंड ऑर्बिट होगा हमारे पास में। अगली पास्चर में देखो एक एक घटती चली जा रही है, ये कौन से के अंदर आ रहा है, N3 के अंदर आ रहा है, यानी कि थर्ड ऑर्बिट के अंदर आएगा वो, एक्साइट होगा जब वो गिरेगा, वो थर्ड ऑर्बिट के अंदर आपका आएगा। तो इसको हमने दे दिया पास्चन सीरीज नाम। ऐसे ही जब यहाँ पे फिर से घटते हुए हमने टर्म्स में दिखाया, और जब वो N4 के अंदर आता है तो इसको हम बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज, यानी जो लाइंस को हमने क्या बोला, ब्रैकेट सीरीज बोला। जब वो हमारे पास में फिफ्थ ऑर्बिट तक आता है तो उसको हमने बोला पीफेंट सीरीज बोला। ठीक है, अब देखो जो आपकी लाइमन है ये तो आती है अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर, बाल्मर आती है विजिबल रीजन के अंदर, जो पास्चन है ये आती है इंफ्रारेड रीजन के अंदर, और जो ब्रैकेटी है IR मतलब ये भी इंफ्रारेड में आती है, और पीफेंट भी आपकी किस में आती है, इंफ्रारेड रेज के अंदर, रेडिएशन के अंदर, यानी इंफ्रारेड रेज के अंदर आपकी आती है। ठीक है, तो हमसे बस वो पेपर में ये पूछ सकता है कि कमाले ट्रांजिशन दे दे N8 से लेकर N5 तक, N7 से लेकर N5 तक, N6 से लेकर N5 तक, तो हम बता सकते हैं कि वो कौन सी सीरीज के अंदर आपका आ रहा होगा। ये अलग अलग साइंटिस्ट थे और उन्होंने अपने ही नाम पर इनको क्या रख दिया, इन सीरीज का नाम रख दिया, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट ने जब स्टडी करा हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स को तो उनको इन सीरीज के बारे में पता चला। ठीक है, तो अब जो यहाँ पर था ना, एक फॉर्मूला आता है राइट बर्ड फॉर्मूला। तो ये राइट बर्ड फॉर्मूला क्या था, इन्होंने कहा म्यू बार का मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है, आपका जो वन वेवलेंथ का जो इनवर्स होता है वो क्या कहलाता है, वेव नंबर। तो और ठीक है, वेव नंबर हो गया। जो आर था, उन्होंने देखा कि जो वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। N1 क्या थी, जो लोअर ऑर्बिट, यानी जहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर गया होगा। N2 थी हायर ऑर्बिट, यानी यहां से एक्साइट होकर इस हायर ऑर्बिट के अंदर गया होगा। तो यहां पर हम पुट कर सकते हैं वैल्यूज, जैसे N1 है तो N2 तक गया, 3 तक गया, कहां तक गया। ठीक है, यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल थे तो यहाँ पर आया कांस्टेंट। इस कांस्टेंट का नाम था राइट बर्ड कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है 109.677 सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास में। यूनिट तो हम वैसे भी, हाँ यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अच्छा,
यहाँ हमारे पास में ये चीज निकल कर आ गई। और वैसे भी देखो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। वेव नंबर वेवलेंथ का इनवर्स है, तो सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी इसकी यूनिट। अब n1 और n2 की तो कोई यूनिट होगी नहीं, ऑर्बिट्स की थोड़ी ना कोई यूनिट होती है, तो जो इसकी यूनिट वही इसकी यूनिट आ गई हमारे पास में। ठीक है, तो मेन हमारे पास में क्या है, ये वाला हमें फॉर्मूला दिया गया जिससे हम क्या निकाल सकते थे, इस वेव नंबर का पता लगा सकते थे। वेव नंबर से हम वेवलेंथ का पता लगा सकते हैं, और अगर वेवलेंथ पता चल गई तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ से वो मैच कर रही होगी हमारे पास में। ठीक है, तो अब अगर ये तो क्या है, हमारे पास में हाइड्रोजन एटम के लिए फॉर्मूला दिया था, लेकिन जो हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल होते हैं हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में हो गया हीलियम पॉजिटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव, ये सब क्या है हमारे पास में, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स है। मतलब देखें तो इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन बच रहा होगा, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है और लिथियम का कितना होता है, 3 होता है, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो एक बच गया होगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला रहेगा, बस साइड में जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जेड क्या होता है, आपका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, यहाँ तक की बात, आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, हम इसके बारे में और देख लेंगे। ठीक है, और हाँ, इसके बेस में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, वो भी हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो बाय बाय।